उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा अपने आप में कई खूबियों वाली नगर पंचायत कही जाती है। इस नगर पंचायत में दो दो यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहीं फाइव स्टार होटल भी पागबड़ा की शान में चार चांद लगा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी ईंट उद्योग मंडी भी पागबड़ा की शान में चार चांद लगा रही है। अगर हम ईंट उद्योग की बात करें तो ईंट उद्योग इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है। ईंट कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों ईंट की खरीदारी बिल्कुल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण प्राधिकरण का तोड़फोड़ करने का तरीका और बढ़ती महंगाई और कोयले के दामों पर बेतहाशा वृद्धि है। भवन निर्माण का ना होना ईंट उद्योग व्यापार को मंदी की ओर लेकर जा रहा है। भट्टों पर ईंट के चट्टे लगे हैं लेकिन खरीदार नहीं है। खरीदार क्यों नहीं आ रहे कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ लोग ईंट खरीद कर ले जा रहे हैं उनके क्राम प्राधिकरण नहीं होने दे रहा। ईंट उद्योग पर इन दिनों खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर ईंट उद्योग मंदी की मार से नहीं उभर पाया तो ईंट उद्योग कारोबारी किस तरह अपना रोजगार चला पाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। पागबड़ा और उसके आसपास के इलाकों में 100 से अधिक ईंट उद्योग के भट्टे हैं, लेकिन इन भट्टों पर खरीदार दिखाई नहीं दे रहे। भट्टा कारोबारियों का कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि हमारा भी रोजगार चल सके और इन भट्टों पर काम करने वाली हजारों की संख्या में लेबर को भी रोजगार मिल सके। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए ईंट कारोबारी दानी प्रधान द्वारा बताया गया, कोयला बहुत महंगा है, ईंट को पकाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, सरिया महंगा है, बिजली बंद है, बिल्कुल कोई भी ग्राहक माल करने के लिए तैयार नहीं, क्या रेट चल रहा है क्या नहीं रेट चल रहा है, कोई बिक्री नहीं, बिल्कुल बिक्री नहीं। सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि सभी लोगों को राहत मिले? अब इसमें या तो सरकार कुछ कोयले पे ध्यान दे, कोयला कुछ सस्ता मिले भट्टे वालों, जिससे कोयले पे ईंट पे लागत कम आए। अब ईंट पे लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसमें ग्राहक पकड़ी नहीं रहे।